Name's Bond. James Bond. The threat is real. जासूसी कहानियां लिखने के लिए मशहूर अमेरिकी मुसन्निफ जेफरी डीवर ने जेम्स बॉन्ड को नई जिंदगी दी है। उनके लिखे नॉवल कार्ट ब्लांच की तकरीबी रूनुमाई लंदन में हुई, जो किताब की तकरीबी रूनुमाई से ज्यादा हॉलीवुड की फिल्म का सीन लगती थी। ब्रिटिश सीक्रेट सर्विस एजेंट जेम्स बॉन्ड का किरदार बरतानवी मुसन्निफ एयन फ्लेमिंग ने मुतारिफ करवाया था। उन्होंने जेम्स बॉन्ड की कहानी पहली बार 1953 में कैसिनो रॉयल के नाम से लिखी। उनके नॉवल पर मबनी जेम्स बॉन्ड सीरीज की पहली फिल्म डॉक्टर नो 1962 में रिलीज की गई। 6 दहाई कबल मुतारिफ कराए गए इस किरदार पर मबनी नॉवलों की 10 करोड़ कॉपियाँ अब तक फरोख्त हो चुकी हैं। कार्ट ब्लांच के मुसन्निफ जेफरी डीवर का कहना है कि उन्हें किताब लिखने के लिए बहुत तहकीक और मेहनत करना पड़ी है। मैं अपने हर नावल को इतना जज्बाती रंग देना चाहता हूँ जितना मुमकिन हो सके। माजी की कहानी बयान करते हुए ऐसा करना मुश्किल हो जाता है। अगर जेम्स बॉन्ड को किसी मुश्किल से निकलते या खतरे का सामना करते देखकर आपके हाथों में पसीना ना आए तो आप अपनी सीट के कोने पर नहीं आएंगे। नॉवल का शाया करने वाला इदारा इसकी कहानी को खुफिया रखना चाहता था, लेकिन मुसन्निफ ने उनके साथ वादा नहीं किया। डीवर का ये भी कहना है कि जासूसी किताबों के पढ़ने वालों के लिए बिलाशुबा ये एक शाहकार है। उधर जेम्स बॉन्ड के खालिक एयन फ्लेमिंग की भतीजी लूसी फ्लेमिंग ने डीवर की कोशिश को सराहा है। मेरे ख्याल में ये एक अच्छा नॉवल है, पढ़ने वाला इसमें खो जाता है और इसकी टेंशन बढ़ती जाती है। नॉवल का विलेन इंतहाई खौफनाक है। डीवर के काम से मेरे चाचा यकीनन बहुत खुश होंगे। डीवर को 2004 में उनके नॉवल गार्डन ऑफ बीस्ट के लिए क्राइम राइटर्स एसोसिएशन ने एयन फ्लेमिंग स्टील डैगर अवार्ड दिया और उन्हें बॉन्ड पर नॉवल लिखने के लिए चुन लिया गया। The future comes. I'm the